हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यशवंत जिंदल है और आप देख रहे हैं होम्योपैथिक वर्ल्ड चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने एफोरिज्म देखना शुरू किया है। उसमें हमने फर्स्ट एफोरिज्म देखा, सेकेंड एफोरिज्म देखा, सो आज हम थर्ड एफोरिज्म के बारे में जानने वाले। बट फ्रेंड, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एफोरिज्म नंबर थर्ड ये बिग है, सो हम उसके एक एक कंसेप्ट को हम जानेंगे। तो आज हम तीन कंसेप्ट जानने वाले हैं उसमें से, और बाकी के कंसेप्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एफोरिज्म नंबर थर्ड में डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने वर्ड यूज किया है, द फिजिशियन क्लियरली परस्यू। परस्यू मीन्स क्या? परसेप्शंस मीन्स, एग्जाम्पल, इफ वन पेशेंट कम्स विद द इरप्शन ऑफ ए स्किन, सो जो मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन वाले फिजिशियन क्या करेंगे, उसको ऑइंटमेंट लगाने देंगे, मेडिसिन दे देंगे, उसके वजह से उसका इरप्शन चला जाएगा। ओके, देन अगर किडनी स्टोन का पेशेंट आया है तो उसको हाइड्रोथेरेपी एडवाइस करेंगे, नहीं तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। तो मतलब जो एलोपैथिक फिजिशियन है वो क्या कर रहे हैं, वो मटेरियल बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन बताते हैं हमको मटेरियल बॉडी पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर वो पर्सन को वो डिसीज हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैन सिक हुआ है, उसके बाद वो डिसीज उसको हुआ है। तो हमको मैन एज अ होल जान लेना है, उसके टेंडेंसी जान लेना है, उसको नींद कैसे आती है, उसको एवर्जन, उसके डिजायर्स, उसका मेंटल फिजिकल सब जान लेना है हमको। एंड देन जो हमको हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर एफोरिज्म नंबर टू में बताया डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने, वो पूरा ध्यान में रख के हमको उसको ट्रीटमेंट देना है, उसको क्योर करना है। क्योंकि हम अगर मटेरियल बॉडी पे ध्यान देंगे तो वो सिम्टम्स वापस रिकर होता है और ज़्यादा इंटेंसिटी से आता है। देन सेकेंड, नॉलेज ऑफ डिसीज के बारे में उन्होंने बोला है। तो हम एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो मतलब उसको डिफिशियंसी हुई है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो सेल्स रहते हैं पैनक्रियास से उसकी। तो जो मॉडर्न मेडिसिन वाले जो फिजिशियन है वो क्या करेंगे, वो उसको ऐसा मेडिसिन देंगे वो स्टिमुलेट करेगा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस को। ओके, मतलब अगेन वो वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ओके, तो अगर नॉलेज ऑफ डिसीज, फिजिशियन को अगर उस डिसीज का पूरा नॉलेज लेना है तो उसको ये जानना पड़ेगा कि उसको हो क्या रहा है पेशेंट को। तो पहले हमको पूरी प्रॉपर केस टेकिंग लेना है, उसकी पूरी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री जान लेना है, उसको क्या क्या हो रहा है वो हमको ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा, उसको हम पूछेंगे, उसके रिलेटिव्स को पूछेंगे, वो पूरे साइंस एंड सिम्टम्स हमको कलेक्ट करना है। हमको जनरल टू पर्टिकुलर जाना है, पर्टिकुलर टू जनरल नहीं जाना है। मैन एज अ होल, देन द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। बट जो मॉडर्न मेडिसिन वाले क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रीट द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस एंड देन मैन। दिस इज नॉट अ गुड ट्रीटमेंट, क्योंकि ऐसे इसमें सिम्टम्स वापस आने के बहुत चांसेस होते हैं और वो मोर इंटेंसिटी से आ सकते हैं। सो हमको वो नॉलेज, जो डिसीज का जो नॉलेज है उसका मेंटेनिंग कॉज जो है वो पूरा जान लेना है, ये डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन कहना चाहते हैं। देन वो नॉलेज ऑफ मेडिसिन के बारे में थर्ड कॉन्सेप्ट, वो नॉलेज ऑफ मेडिसिन ऐसा बताना चाहते हैं, अगर इफ सम पेशेंट कम्स हमारे ओपीडी में, अगर पेशेंट आता है, अगर हमको उसको ट्रीट करना है तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिसिन उसको देना है उसका पूरा नॉलेज फिजिशियन को खुद को होना चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूविंग करना है, दो ग्रुप करना है हेल्दी इंडिविजुअल के, इसमें 10 इंडिविजुअल, दूसरे ग्रुप में 10 इंडिविजुअल। फर्स्ट ग्रुप को हमको डायनेमिक रेमेडियल एजेंट वो रेमेडी देना है, उनको क्या सिम्टम्स आते हैं वो हमको रिकॉर्ड कर लेने हैं। ऐसा हो सकता है जो 10 में से 6 जने उनको हेड के सिम्टम्स ज़्यादा है, कुछ लोगों को थ्रोट के सिम्टम्स ज़्यादा है, कुछ लोग को रेक्टम के है, कुछ को स्टमक के है। जो पूरे सिम्टम्स हर एक को आ रहा है वो पूरा रिकॉर्ड कर लेना है, उसको प्रॉपर वाइज लिख लेना है। देन अगेन दैट रेमेडी हमको सेकेंड ग्रुप को देना है, हेल्दी इंडिविजुअल को। देन उनको क्या सिम्टम्स आते हैं वो हमको लेना है,
सो फर्स्ट ग्रुप के और सेकेंड ग्रुप के सिम्टम्स रिलेट करके हमको मेडिसिन का पूरा साइंस है, सिम्टम्स उसका नॉलेज हमको जान लेना है, तभी हम वो डिसीज है वो उसको क्योर कर सकते हैं, मैन एज अ होल हम उसको क्योर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक लॉ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। अगर हमको एक डिसीज ट्रीट करना है तो उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को वही सिम्टम्स वैसे के वैसे वो मेडिसिन में होने चाहिए, तो क्या वो मेडिसिन मैन एज अ होल एक्ट करेगा, उसके जो साइन या सिम्टम्स वो टोटल इरेडिकेट हो जाएंगे और पर्सन हेल्दी में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके हेल्दी इंडिविजुअल हो जाएगा। बट जो प्रूविंग है वो हर एक फिजिशियन को करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, हर एक मेडिसिन की प्रूविंग करना है तो उसको टाइम लगता है, तो उनका ये कहना है अगर हमको वो पेशेंट को ट्रीट करना है तो हमको होम्योपैथिक मैटर मेडिका जो है उसमें पूरा मेडिसिन दिए हुए, उसके साइंस है सिम्टम्स दिए हुए, उसके फिजिकल मेंटल दिया हुआ है, उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, और प्लस ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो है हमको कैसे मेडिसिन देना है, कौन से पोटेंसी में देना है, कैसा सब देना है, वो उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम वो डिसीज को क्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में देखा व्हाट इज परसेप्शन, नॉलेज ऑफ डिसीज एंड नॉलेज ऑफ मेडिसिन। सो दिस इज अ पार्ट वन, हम नेक्स्ट कंसेप्ट पार्ट टू में जानेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फ्रेंड्स।